फाइनली डेंटिस्ट के पास आई हूँ। मॉम का भी टेस्ट करना है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है गम्स में एंड मेरे लिए ऑब्वियसली मेरा एक मिसिंग टूथ है ये वाला एंड अलाइनमेंट, एक ओपिनियन पूछने के लिए। लेट्स सी हाउ इट गोस। पहली बार लाइफ में मैंने क्लीनिंग करवाई ऐसा लग रहा है, और अभी थोड़ा सा दांत के पीछे थोड़ा सा हार्ड हार्ड लग रहा है, ठीक हो जाएगा बोल रहे तो। एनीवे मैं डॉक्टर हूँ, मुझे डेंटिस्ट्री के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। एनीवे हम अभी हल्दीराम्स जा रहे हैं, थोड़ी बहुत स्पीच लेना है। अभी जब क्लिनिक में थी तब मैंने उबर बुक किया, इट शोड 1 मिनट में आ रहा है, इधर ही था। एंड मेरी मम्मी कहती है अरे हल्दीराम जाना था ना, मुझसे बिना पूछे क्यों बुकिंग किया। अब मैंने उसको कैंसिल किया, अब जो सब काम हो गया उसके बाद मैं कर रही हूँ। अभी बोल रहे हैं 7-8 मिनट में आएगा, अभी इस टाइम तक हम ऐसे ही रोड में खड़े रहेंगे। ये तो बस स्माइल करती रहती है, कुछ भी नहीं बोलता। एक लाफ्टर एक स्माइल बस। अच्छे दांत है ना, मेरे जैसे तो है नहीं। पर्सनली ऑलवेज लव रिक्शा, ऑटो रिक्शा ट्रेवल्स, बिकॉज हवा से आती रहती है एंड एक ओपननेस फील होता है। बट देन मेरे स्किन की वजह से मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती ऑटोज में। अब बहुत टाइम बाद मैंने ऑटो पकड़ लिया। हमेशा उनके पार्टनर के साथ फोन पे रहती है। थोड़ा आगे भैया वो वाला गेट। बस बस बस, एक मिनट भैया, ये है क्या देख लीजिए, 4 रुपीस है ना। थैंक यू। हाँ वही, ऐसे मोबाइल भूल के चले जाते हैं। नहीं सब आपके जैसे अच्छे भी होते नहीं एक्चुअली। अच्छा काम हुआ, मतलब दे दिया वापस ढूंढ के। हाय हेमंत कैसे हो, ये लो मम्मी। एक मिनट में गेट क्लोज करते। हाय रामबी, अभी स्लीपिंग मोड में है। हाय डैडी, कल हम कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कल पता चलेगा, कल बताऊंगी। मैंने पैकिंग शुरू किया है, मतलब ऐसे रखा है, इसमें से चूज़ करके एक ऐसा एक ब्लैक बैग बाहर है उसमें रखना है, इसमें पैक करना है। और हल्दीराम से ऑरेंज बर्फी लिया है। पानी बहुत गर्म है, मेरी मम्मी ऐसे यूज़ करते क्योंकि गर्म पानी यूज़ करने से जो सॉफ्ट बनता है। एक बन में आ गया है, अभी बस इसको नीड करने का टाइम है। हमारे घर पे ऐसे मार्क है, ये मॉड्यूलर किचन गलत है, नीचे नहीं होने चाहिए ड्रॉयर, सब ऊपर होने चाहिए क्योंकि मैं यहाँ काम कर रही हूँ। और ये लड़की इधर से खींचेगी और फिर मुझे ऐसे पुश करेगी और इधर से खींचती, अभी देखते रहो ये करेगी। लड़की बोला मैंने, मम्मी ने कल दाल मखनी बनाया था, बहुत अच्छा बना था, बट देन क्वांटिटी ज़्यादा बन गया था, सो फ्रिज में रख के आज फिर से यूज़ कर रहे गर्म करके। तो एक स्टव पे दाल मखनी गर्म हो रहा है और दूसरे स्टव पे तवा रेडी है, तो
उसके पास रेडी नहीं है तवा, जस्ट रख है, गरम हो रहा है। एक गीला कपड़ा उसको कवर करके रख सकते हैं, बट एट द मोमेंट हमारे पास गीला कपड़ा नहीं है, सो इट्स ओके।